एक्वास्केपिंग एक ऐसी कला है जहां पे हम कुदरत की सुंदरता को देख के परख के समझ के एक्वेरियम के अंदर उसे दर्शाते हैं या रिक्रिएट करते हैं। एंड इसमें मजा तो आता ही है बट एक सैटिस्फाइड फीलिंग भी है। मैंने ये काफी सालों से किया है, बहुत गुणी जनों से सीखा भी है, उनमें तकाशी अमानो, अदीप सज्जन राज और भी है। ये जो मैंने सीखा है मैं आपको इस चैनल के जरिए बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। इसके लिए आपकी मदद भी चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में अपना विचारधारा बताइए एंड ऑफ कोर्स वीडियोस एंजॉय कीजिए। थैंक यू। पहला स्टेप है करेक्ट वुड चूज करना, और जब वो करेक्ट पीस ऑफ वुड आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसको टैंक में ऐसा प्लेस करना जहां पे वो सबसे सुंदर दिखे। अभी वुड प्लेस है और सपोर्ट के लिए हमने स्टोन दिया हुआ है बिकॉज आगे भी स्टोन देने वाले। अभी स्टोन्स ऐसे अरेंज किया है जैसे वो आइलैंड बन जाए। सो फर्न आइलैंड, तो आइलैंड बनाना है तो बीच में आइलैंड है, सराउंडिंग में हम लोग सैंड डालने वाले हैं। अभी ये दूसरी साइड का एंगल है जो दिखता है। अभी जहां पे हम लोग प्लांट्स डालने वाले हैं वहां पे बैक्टीरिया डालेंगे। सो आइलैंड के अंदर प्लांट होने वाला है तो बैक्टीरिया भी वहीं पे होगा। सुपर फोर आप सब जानते हैं और उसी को हमने यूज किया है। अभी सुपर फोर डालने के बाद अंदर की तरफ जहां पे वुड के ऊपर वगैरह गिरा है उसको हम थोड़ा साफ कर लेंगे ताकि वो पानी में मिक्स ना हो और नीचे चला जाए। हमेशा सब कुछ साफ रखना। एक छोटा सा ब्रश जो पेंट ब्रश है सिर्फ इसके लिए, इसी काम के लिए आप रख सकते हो जो आप कन्वीनियंट है, कोई भी दुकान में ब्रश मिल जाता है, यूज कर सकते हो। अभी हमने पूरा आइलैंड बनाया है, स्टोन्स भी डाला है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लास में जब आप स्टोर रखते हैं तो गैप्स हो, वो गैप कवर करने के लिए सिंपल सा व्हाइट कलर का जो फिल्टर का फ्लॉस या फिल्टर का स्पॉन्ज आता है वो थोड़ा लेके गैप में रख के उसके ऊपर हम लोग अगर स्टोन डाल देंगे तो अंदर का सॉइल और बाहर का सैंड मिक्स नहीं होगा और इस तरीके से टैंक साफ रहेगा। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि सॉइल और सैंड मिक्स हो जाता है। फाइनली हम लोग सॉइल डाल रहे हैं, एक्वा सॉइल अमेजोनिया एडीए का। ये सबसे बेहतरीन प्लांटेड एक्वेरियम के लिए सॉइल है और सॉइल वहीं पे डाल रहे हैं जहां पे प्लांट हम लोग उगाना चाहते हैं, आगे जाके देखेंगे। और आराम से छोटे से वाटी या कोई ऐसे कोई चीज जहां पे जो छोटे जगहों पे जाए उस पर थोड़ा सॉइल लेके धीरे धीरे डाल सकते हैं। अभी हल्के से जहां जहां पे वुड और स्टोन के बीच में गैप है वहां हम सॉइल फिल कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो अभी सॉइल फिल कर रहे हैं। अभी यहाँ पे एक और सॉइल फिल करते टाइम पता चलता है कि थोड़ा बहुत गैप हो सकता है जहां से सॉइल बाहर आ सकता है, वो भी देख के आराम से फिल करेंगे ताकि बाकी वो आइलैंड के बाहर सॉइल ना जाए और गंदा ना हो। अब हर एक छोटे से छोटा गैप देख के फिल कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज पानी डालने के बाद वो नीचे बैठ जाएगा और वहां पे गैप हो जाएगा या प्लांट के लिए सॉइल कम हो जाएगा।
तो आराम से देख के समझ के फिल करना बहुत ही जरूरी है। और जो अभी जैसे ये यहाँ पे गैप है, आपको दिख रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम सॉइल डालेंगे तो नीचे बाहर आ जाएगा। तो फिर से यहाँ पे थोड़ा सा कॉटन डाला, फिल्टर का कॉटन, फिल्टर फ्लॉस, फिल्टर मटेरियल, जो भी फिल्टर में यूज करते हैं, हम आप कोई भी ऐसा चीज यूज कर सकते हो जहां पे इसको थोड़ा अंदर से अंदर घुसा के टाइट कर दिया और उसके ऊपर सॉइल डाल दो और अभी वो बाहर नहीं आएगा। अभी सॉइल डाल देंगे उसके ऊपर, ये रहा, अभी वो ब्लॉक हो गया और अभी नीचे से बाहर नहीं आएगा। ये एक सिंपल सा मेथड है, छोटा ट्रिक है जो सब लोग यूज करते हैं। अब ये आइलैंड बन चुका है, आपको बाहर से दिख रहा है आइलैंड कैसे बना हुआ है। अभी जैसे मैंने पहले कहा था, हर एक छोटे से छोटा गैप, यहां पे हम लोग एक पिंसेट यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा हल्के से सॉइल में अगर हम लोग हिलाए तो पता चलेगा कि गैप है। तो देख के हर एक छोटे से छोटा गैप में सॉइल डाल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ये भी देख ले कि सॉइल लीक ना हो, ओके, बाहर ना आए, बिकॉज आगे जाके टैंक में सैंड के साथ मिक्स हो जाएगा, सैंड वाइट रहता है तो मिक्स हो जाएगा। अभी जो बाहर के तरफ जो भी सॉइल गिरा हुआ है, थोड़ा बहुत गिरा हुआ है, वो हम लोग बाद में क्लीन करेंगे, पहले जो छोटे मोटे गैप है वो फिल कर लो। ये रहा, वही ब्रश से आप हल्के से ये सब जो सॉइल वगैरह है जो बाहर गिरा है डालते टाइम, गिरेगा नहीं होता है, तो पहले इसको साफ कर लेंगे। याद रखिए, साफ सफाई से काम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे आगे जाके आपका नेचर एक्वेरियम विल डू वेल। ऐसे ही छोटा मोटा गैप होता है जैसे यहाँ पे है, तो हमने छोटा एक पत्थर और डाला है ताकि सॉइल बाहर न गिरे। वहां पे कॉटन ऑलरेडी है, हो रहा अभी बैठ गया। ये जो निकाला हुआ सॉइल है आप वापस जो सॉइल एरिया के साथ डाल सकते हो उसको वापस, उसको फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, वापस डाल दिया तो वो अच्छा अच्छा सॉइल ही तो है ना, यू कैन ऑलवेज यू टू रीयूज इट इनटू द सॉइल। आगे हम लोग डेकोरेटिव सैंड ऐड करेंगे या एडीए का लाप लाटा यूज कर रहे हैं, आपको जैसे दिखेगा ये सैंड काफी सफेद है। और एक तरफ से ये सैंड डालने का एक ट्रिक है, आप एक तरफ से सैंड डाल दीजिए बिकॉज टैंक एरिया बड़ा है, अगर छोटा टैंक है तो छोटे वाटी में डालिए, ऐसा पूरा पैकेट ना खोले। और ये अभी अगर आप हाथ से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ स्टोन है, कहाँ हमको डालना है, और धीरे धीरे एक बार डल जाए तो स्टोन के ऊपर से तो सैंड निकाल के सैंड को लेवल करना बहुत जरूरी है। ये आइलैंड यानी द्वीप वाला जो एक्वेरियम है तीनों साइड से दिखने वाला है और दुकान के अंदर टैंक है, तो सैंड बहुत ही लेवल होना चाहिए, हर साइड से एक ही लेवल हकर होगा तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। आप अभी ये फाइनल जब फिनिश हुआ है आप ये देख सकते हैं कि हर साइड से सैंड लेवल है तो सुंदरता बढ़ गई है। हमने ऊपर एक थोड़ा स्टोन रखा है प्लांटिंग के लिए, अभी हम प्लांटिंग दिखाएंगे आपको। पहला स्टेप है फर्न्स और अनुबियास जो यूज करने वाले हैं उसको बांधना, ये वुड टाइट है, एडीए वुड टाइट,
केबल जैसा है, अंदर स्टेनलेस स्टील केबल है, खराब नहीं होता है। इसको हम छोटा एक पत्थर लेके, जैसे ये से हैं छोटे छोटे पत्थर हैं, और अनुब्यास हो या फर्न हो उसको ऊपर रख के ऐसा टाई कर देंगे या ट्विस्ट कर देंगे। मॉस थोड़ा यूज कर सकते हैं स्टोन के ऊपर, क्या होगा मॉस, बिकॉज ये काफ़ी सारा प्लांट डालने वाला है, आप आगे देखेंगे तो मॉस भी उगेगा तो हरा भरा दिखेगा और सुंदर दिखेगा, और वो स्टोन पे मॉस भी पकड़ेगा और अनुब्यास भी अच्छी तरह से पकड़ लेगा। याद रखिए मॉस, फर्न्स और अनुबियस जो है आप सॉइल में नहीं डाल सकते, ये राइजोम बेस्ड प्लांट्स है और ये सॉइल में खराब हो जाएंगे। अभी हम मॉस बांध रहे हैं स्टोन के ऊपर, एक साइड स्टोन का या नीचे के साइड में मॉस बांधने का जरूरत नहीं, सो मतलब तीन साइड, अगर स्टोन का चार साइड है तो तीन साइड बांधिए और एक साइड खाली रखिए, वो साइड जमीन पे जाएगा और वहाँ पे मॉस वैसे भी उगेगा नहीं, तो बांधने से मतलब क्या है। ये इम्पॉर्टेंट टिप है यहाँ पे जब मॉस बांधते हैं। मॉस हम लोग बांध रहे हैं एक बायोडिग्रेडेबल थ्रेड, मतलब ये थ्रेड पानी में गलता है एक 30-35 दिन बाद। ये ADA का मॉस कॉटन है, इससे हम लोग मॉस बांधेंगे और मॉस अच्छा आता है, खराब नहीं होता है। प्लांटिंग अभी नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, प्लांटिंग के लिए टूल्स हमेशा अच्छा क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है, और प्लांटिंग के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, कौन सा झाड़ कहाँ पे जाएगा तो आपको एक बाद में कैसे दिखेगा। तो पहले हम लोग क्रिप्टोकॉन यूज़ कर रहे हैं, क्रिप्टोकॉन ग्रीन गेको यूज़ कर रहे हैं। ये ग्रीन गेको जो है आपको एक लाइट ग्रीन आता है, ब्राइट कलर, और अंदर का जो बीच का जो वेन होता है या स्टेम होता है वो लाल हो जाता है, तो बहुत सुंदर दिखेगा, और नीचे की तरफ डाल रहे हैं। अभी मॉस और अनुबियस बांधा हुआ ऑलरेडी है ट्रे में आपको जैसे दिख रहा है, इसको हम अभी एक्वेरियम में देख के अरेंज करेंगे। अभी एक बेसिक सिस्टम है, जैसे अनुबियस नाना है थोड़ा मीडियम साइज के पत्ते हैं तो हम उसको बीच में रखेंगे, ना नीचे रखेंगे ना ऊपर रखेंगे। अगर हम बाटेरी या वैसे यूज करते हैं बड़े लीफ के पत्ते, तो बड़े लीफ के नीचे आएंगे, उसके ऊपर थोड़े छोटे नी लीफ के आएंगे, ठीक है। सो यू वो जगह देख के वो प्लांट को बैलेंस करना पड़ता है। अगर आप इसके नीचे जैसे अभी अगर आप इसको यहाँ पे बहुत बड़े पत्ते डाल देंगे और इसके नीचे छोटे पत्ते डालेंगे, तो वो छोटे पत्ते वाले प्लांट को रोशनी या लाइट नहीं मिलेगी और मर भी सकता है। हर प्लांट के लिए लाइट बहुत ज़रूरी है, तो बड़ा पत्ता नीचे, उससे छोटा वाला पत्ता उसके ऊपर, उससे छोटा वाला पत्ता उसके ऊपर। ये तो स्टैंडर्ड रूल हो गया, बट यहाँ पे जो है कभी कभी हम लोग छोटे पत्ते वाले जो प्लांट्स होते हैं पूरा नीचे ज़मीन पर रख देते हैं। ये ज़मीन पे रखना, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, मैं अनुबियस पेटीट यूज़ कर रहा हूँ, वो सबसे छोटा लीफ होता है, और वहाँ पे मैं दूसरा कुछ ज़्यादा डालूँगा नहीं, मैं ऑलरेडी जानता हूँ क्या डालने वाला, उस हिसाब से मैं वही प्लांट डाल रहा हूँ जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा लाइट मिले, सबसे ज़्यादा यू नो वो ग्रो कर सके, या सबसे अच्छा ग्रो हो, और उस हिसाब से मैं जगह देख के डाल रहा हूँ। ये अभी मैं अनुबियस कॉफ़ी फोलिया यूज़ कर रहा हूँ। प्लांट्स के बारे में थोड़ा जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा जानकारी रहना इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ये कहाँ रखेंगे तो कौन सा प्लांट कैसे आएगा। बट ये हमेशा याद रखिए, सिंपल टिप ये है कि ऐसे रखिए जहाँ पे हर प्लांट को लाइट मिले, ओके। थोड़ी बहुत तो रोशनी मिलना चाहिए, अगर आप अंधेरे में रखोगे तो प्लांट उगेगा नहीं, उसका लाइट बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो लाइट हम यूज़ कर रहे हैं ये टैंक के लिए, ये सोलर RGB है ADA का, और शायद आज के दुनिया में, आज के डेट में ये प्लांटेड एक्वेरियम के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट लाइट है। अनुबियस वगैरह हमने डाला है, अभी अरेंज किया है,
आप देख सकते हैं कि कैसे और जहाँ जहाँ थोड़े गैप्स हैं वो सब फिल कर रहे हैं, जैसे स्टोन के नीचे हो। ये एक आइडिया भी है कि एक गैप में अगर ये प्लांट डालेंगे वो बाद में कैसे दिखेगा, ये भी एक आइडिया है, एक्सपीरियंस से आता है, जैसे एक समझदारी ही कह लो कि काफ़ी टाइम से हम लोग कर रहे हैं तो एक आइडिया बन जाता है कि कैसे कौन सा प्लांट कहाँ अच्छा दिखेगा स्टोन के बीच में, स्टोन के गैप में। एक्चुअली ये सब जो ऑब्जर्वेशंस है ये कुदरती है, कुदरती जैसे होता है। अगर आप 10 जगह घूमोगे और देखोगे छोटे छोटे यू नो पत्थर के बीच में छोटे छोटे झाड़ उगते रहेंगे, ये सब यू नो जंगलों में या जहाँ पे, ये बेसिक ऑब्जर्वेशन है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप नेचर एक्वेरियम बनाना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, तो एक नेचर के प्रति एक ऑब्जर्वेशन होना या प्यार होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और देख के करने में ऑलवेज मज़ा आता ही है। यहाँ पे हमने थोड़ा मॉस बांधा हुआ है स्टोन्स पे, मॉस के साथ हमने हाइग्रोफिला पिनाटीफीडा भी बांधा है। पिनाटीफीडा एक इंडियन प्लांट है, बहुत ही सुंदर प्लांट है, मालवन रीजन में मिलता है, गोवा वगैरह में बहुत मिलता है ये, एंड बहुत ही पॉपुलर है बिकॉज बहुत इजी है ग्रो होना। तो अभी मैं थोड़ा आगे आके सैंड के ऊपर इसको रख रहा हूँ बिकॉज वो कहीं पे भी उग जाता है, उसमें कुछ ये नहीं है, थोड़ा सा वो ऐसे दिखाने के लिए कि यू नो वो आइलैंड को छोड़ के थोड़ा प्लांट बाहर आया है, वो दिखाने के लिए मैं ये मॉस और पिनाटीफीडा वाला स्टोन बाहर रख रहा हूँ। अभी आप ऊपर से देख रहे हैं मैंने पूरा एरिया अनुभ्यास से कवर किया है, और छोटे छोटे दो गैप्स वगैरह है हमने क्रिप्टोकॉन से कवर किया है जैसे मैंने पहले बताया था। और अभी हम फर्न्स डालेंगे, अभी ये अनुभ्यास का हो गया तो फर्न्स डालेंगे। अभी फर्न्स के लिए अगेन पत्थर से बांधा हुआ है, अलग अलग फर्न्स है, जावा फर्न थाईलैंड है, जावा फर्न नैरो लीफ है, ट्राइडेंट फर्न है, बॉल्बाइटिस है। ये फर्न्स अगेन प्रिपरेशन हमेशा इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग साइजेस का अलग अलग रख के अगर आप रख के पहले ही अरेंज कर लेते हैं तो उस हिसाब से आपको लगाने में बहुत बहुत आसान होगा, क्योंकि आपको हाइट वगैरह का पता चलेगा। अब फर्न्स हमेशा सीधा आता है, कुछ फर्न्स साइडवेज आता है, छोटे हैं कुछ बड़े हैं। हम लोग अभी ये जो द्वीप है या आइलैंड है उसके बीचों बीच ऊपर बड़े फर्न्स लगाने वाले हैं, लगा रहे हैं, ताकि इसके जो शैडो शैडो हिंदी में आई एम रियली नॉट श्योर बट इसका शैडो बाकी प्लांट्स पे ना गिरे और ये ऊपर की तरफ आए। जो मैं लगा रहा हूँ छोटे हैं और वो साइडवेज आएंगे, आगे आएंगे, तो उस हिसाब से मैं वो लगा रहा हूँ, बॉल्बाइटिस लगा रहा हूँ। एंड फर्न्स का एक ट्रिक है कि अगर पत्ता काला दिखे तो काट दो, और बहुत ही बड़ा पत्ता है तो काट दो। जितना आप पत्ते काटोगे हर हफ्ते वाटर चेंज में या कभी भी काटते रहो, अगर थोड़ा भी पत्ता आपको काला या मरते हुए दिखता है तो वो पत्ता काट दो। जितना आप वो पत्ता काटोगे फर्न ज़्यादा अच्छा और जल्दी बढ़ेगा। ये भी एक सिंपल ट्रिक है, सिंपल टिप है जो आप यूज़ कर सकते हो जो नो फर्न्स और अनुबियस ग्रो करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, और दिस इज़ हाउ यू सी बहुत बड़े टैंक्स में जब फर्न्स बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं ये सब लोग ट्रिमिंग पे बहुत ध्यान देते हैं कॉन्स्टेंटली। फर्न को छोटे से छोटा पत्ता अगर ख़राब है तो काटते रहते हैं, ट्रिम करते रहते हैं, तभी जाके फर्न्स और अनुबियस अच्छे ग्रो होते हैं। अभी हमने जहाँ जहाँ हमको लगता था गैप्स था हमने फर्न्स डाला है, आपको अभी दिख रहा है
और अगर आप पत्थर में बांधते हो तो इजी भी है डालना, यू नो, आपको उधर बैठ के बांधने का जरूरत नहीं है. ओके, प्लांट फर्न हो या अनुबियास हो, उसको गीला रखना या वो टैंक को मॉइस्ट रखना बहुत जरूरी है. सो छोटे से एक स्प्रे पंप रखिए हमेशा हाथ में और स्प्रे करते रहिए जब आप काम करोगे. पानी भरना ये टैंक में थोड़ा आसान है. यू कैन यूज अ स्प्रे पंप और अ स्प्रे हैंडल बिकॉज हर तरफ सैंड है तो कुछ खराब नहीं होने वाला है और फर्न्स ऑलरेडी पत्थर पे है तो वो भी. नीचे गिरने वाला या खराब नहीं होने वाला. अभी आपको ये ध्यान पे रखना है कि बिकॉज सैंड है थोड़ा वो पानी डस्टी होने वाला है थोड़ा बिकॉज यू नो. तो उसके लिए सिंपल सा ट्रिक है कि एक तरफ से आप फिल करते रहो और एक और बकेट में आप वो डस्ट या गंदा पानी निकाल दो. तो एक तरफ से आप पानी निकाल भी रहे हो और एक तरफ से आप फिल भी कर रहे हो. ठीक है, जब ये करोगे आप तो पानी गंदा पानी बाहर आ जाएगा जैसे आपको दिख रहा है बकेट में और पानी साफ हो जाएगा और नया पानी आ रहा है. नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है इस आपकी जगह को साफ रखना. ये मिस्टर आदित्य है एक्वा मशीन पनवेल का जो ओनर है, दुकान के ओनर है और इंजीनियर है पढ़ाई में, बट अपना दुकान को साफ रखने में उनको खुशी मिलती है. जैसे आप देख रहे हो हमने ES 600 ADA का यूज़ किया है, ADA 16 RGB यूज़ किया है और ये टैंक पूरा भरा हुआ है. अभी भी थोड़ा सा हल्का सा डस्टी दिख रहा है बिकॉज जब फिल्टर फिट हो जाएगा तो पानी साफ हो जाएगा. यूजुअली इट टेक्स अबाउट 6 to 8 hours, 6-8 घंटे में फिल्टर चलते रहेगा तो पानी पूरा साफ हो जाता है. अभी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है जैसे आपको दिख रहा है, हर जगह में शैडो नहीं है, शेड नहीं है, लेकिन जहां पे भी प्लांट है लाइट उसके ऊपर आ रहा है. सो अभी ये टैंक रेडी है एंड हम लोग इस वक्त है आदित्य और अक्षय के साथ. ये आदित्य है और ये अक्षय है. ये दोनों इस एक्वा मशीन जो एक्वेरियम गैलरी है पनवेल में, इसके इनके को ओनर है, साथ में काम करने वाले. And these are very intelligent, hard-working boys. Aditya, tell us something about yourself, what you were doing before. Yes. Okay. Hello, myself Aditya Mahale here. I am a professor. मैं marine engineer हूँ. मैं Europe में एक ship पे काम करता था. And now मैंने अभी वो job छोड़ के ये business pursue किया है. This is our new startup, Aqua Machine. अक्षय, आप अपने बारे में कुछ बताइए. ठीक है, तो जैसे आदित्य मरीन इंजीनियर है तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ. वेरी नाइस. मैं भी पहले काम कर रहा था कंपनी में, पर आदित्य ने बोला कि कुछ करते हैं ऐसे अलग, तो ये आइडिया तो थी, उसने मुझे पहले बताया था, उसके वजह से मैंने ये स्टार्ट किया था. ओके, तो मुझे 1.5 साल हो गया था करके, तो सोचा ठीक है चलो अभी बिजनेस करते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस था ऑलरेडी, तो मैंने सोचा चलो इसलिए ये अभी एक्वा मशीन करके स्टार्ट किया हमने. एक्वा मशीन से आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या करना चाहते हो आप? What do you want to, how do you want to support the hobby and how do you want to help the people get an aquarium? What is your aim for Aqua Mission? First, we want to spread this hobby. People are not aware that plants can be kept inside an aquarium. That's the first thing. Everyone has an idea, just fish and that's how it is. But now we are starting to educate more and more people about this hobby. So we can get more and more people interested in this. We also have Mr. Mahale. Yes. This is Aditya's father. Hi. Sir, aap apne bare mein kuch and your encouragement for your son and Akshay to do this whole, put this business up. Yes, definitely yes. Because I am very proud of both of them. Though they are engineers,